Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा और अमेरिका की सरहद की बंदिश में 21 अक्टूबर तक तौसी हो सकती है। अमेरिका में लगने वाली आग का धुआं कनाडा के तकरीबन 5 सूबों तक फैल गया है। कोरोना वायरस के मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद अमरीका ने महसूलात में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। कैनेडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,38,803 हो गई। शामी सदर बशार अल असद को रास्ते से हटा देना चाहता था। ट्रंप का कहना था कि मंसूबा तैयार था पर हम इस पर अमल दरामद नहीं करा सके। कोरोना वैक्सीन एक माह में दस्तयाब हो सकती है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,97,34,104 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,39,279 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com. Canada mein aapke paas doctor aur lawyer hona bahut zaruri hai. Hum aapko batane ja rahe hain ek aisa naam jo hai reliable, trustworthy and honest. Law firm of Shikha Sharda, 905-956-6699 for family law, real estate, wills और किसी भी तरह के affidavit या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। कैनेडियन शहरियों को इस इम्कान की तवक्को करनी चाहिए कि कैनेडा अमेरिका सरहद ज्यादा देर तक बंद रहेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा और अमेरिका की सरहद की बंदिश में 21 अक्टूबर तक तौसी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर इन मामलों पर नजर रखने वाले जराये ने बताया है कि कैनेडियन शहरियों को इस इम्कान की तवक्को करनी चाहिए कि सरहद ज्यादा देर तक बंद रहेगी। दोनों ममालिक के दरमियान गैर जरूरी सफर को खोलने से कबल कैनेडियन हुकूमत सूरत हाल की निगरानी कर रही है कि अमरीका में कोरोना वायरस पर बेहतर तरीके से काबू पा लिया गया है। ये सरहद गुज़िश्ता कई माह से कोरोना की वजह से बंद है, जबकि अमरीकी रियासतों में कोरोना वायरस केसेस की सतह बहुत ज्यादा है, जबकि दोनों ममालिक ने बाहमी इत्तेफाक से सरहद को बंद किया हुआ है। इस बंदिश नतीजे में दोनों ममालिक के माबैन ट्रैफिक में जबरदस्त कमी वाकई हुई है। तहम जरूरी कारकुनान जैसे ट्रक ड्राइवर और सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद अब भी जमीनी रास्तों से गुजर सकते हैं, जबकि कनाडा और अमेरिका के दरमियान फिजाई सफर की भी इजाजत है। अमरीकी जंगलात में लगने वाली आग का धुआं कनाडा में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका में लगने वाली आग का धुआं कनाडा के तकरीबन 5 सूबों तक फैल गया है। अमरीकी जंगलात में लगने वाली आग का धुआं कनाडा में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। GTA से आने वाली इत्तलात के मुताबिक वेस्ट कोस्ट के इलाकों में धुएं और गर्द के बादल देखे गए हैं। माहिरीन का कहना है ये कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग के असरात हैं, जो सैकड़ों मील का फासला तय करके आसपास के खत्ों में दाखिल हो रहे हैं। ये सूरत हाल शहर और साहिली इलाकों में हद नजर पर असर अंदाज हो रही है। माहिरीन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इस सूरत हाल ने इन लोगों की तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया जो कोरोना वायरस का शिकार हैं। पीर के रोज इस धुएं के सबब कनाडा पोस्ट को अपनी डिलीवरीज मौखर करना पड़ी और सूरत हाल को गैर महफूज करार दिया। इतवार के रोज ब्रिटिश कोलंबिया के असातिज़ा यूनियन ने धुएं को खतरनाक करार देते हुए सूबाई हुकूमत से स्कूलों को बंद करने की दरख्वास्त की थी। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद अमरीका ने महसूलात में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद अमरीका ने महसूलात में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से कैनेडा से अलमोनियम की दरामदात पर महसूलात में कमी के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन अमरीका को मुतनब्बे किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस टैरिफ के खिलाफ इकदाम के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि अमरीका की जानिब से यह ऐलान ऐसा है जिसे अक्ल तस्लीम करती है। कोरोना की वबा के वस्त में कैनेडा और अमरीका के अवाम को तजारती जंग की जरूरत है। याद रहे कैनेडा की जानिब से गुज़िश्ता
का रूस अमरीका की जानिब से आयद इजाफी महसूलात के जवाब में अमरीका पर इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान किया गया था। तहम इस ऐलान पर अमल दरामद से कबल ही अमरीका के महकमा बरार तजारती ताल्लुकात की जानिब से इजाफी महसूल को वापस लेने का ऐलान किया गया था। अमरीका के महकमा USTR की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि कनाडा की हुकूमत से मुशावरत के बाद अमरीकी सदर ने यह तय किया है कि साल के आखिरी 4 महीनों में तजारत को मामूल पर लाने की तवक्को है, जो साल के अवाइल में महसूलात में इजाफे के बाद कम हुई है। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 65,554 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,38,803 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,188 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 65,554 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,785 तक पहुँच चुकी है। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि सूरत हाल तशवीशनाक है। क्यूबेक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का हकीकी खतरा है। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद क्यूबेक के प्रीमियर ने आवाम को एक मोहतात इंतबाह देते हुए कहा है कि स्कूलों और कारोबार को बंद करने से बचने के लिए समाजी इज्तिमात को ज्यादा से ज्यादा महदूद किया जाना चाहिए। ऑन्टारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,068 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,820 है। अल्बर्टा में 15,957 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 254 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 7,374 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 219 है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि वो 2017 में शाम के सदर बशार अल असद को मरवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने ऐसा करने से रोक दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि 2017 में शाम के सदर बशार अल असद को मरवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने ऐसा करने से रोक दिया। एक प्रोग्राम में सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि मैं शामी सदर बशार अल असद को रास्ते से हटा देना चाहता था, जिसके लिए मंसूबा तैयार था, लेकिन कम हिम्मत वजीर दिफा जेम्स मैटिस आड़े आ गए और हम इस अमल पर अमल दरामद नहीं करा सके। ये तकरीबन वही बात है जिसका वाशिंगटन पोस्ट के सहाफी बॉब वॉल्टवर्ड ने अपनी किताब फेयर ट्रंप इन दी व्हाइट हाउस में 2018 को इंकशाफ किया था। तब सदर ट्रंप ने इस बात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस बशार अल असद को कत्ल करने पर कभी गौर भी नहीं किया। ट्रंप ने सदर बशार अल असद को कत्ल करने का इंकशाफ साबिक वजीर दिफा जेम्स मैटिस को नीचा दिखाने के लिए किया। सदर ट्रंप आए दिन अपने बयानात में जेम्स मैटिस को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। ये वही जेम्स मैटिस हैं जब इन्हें वजीर दिफा मुकर्रर किया गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन और आसमान की कलाबें मिलाते हुए उन्हें अजीम आदमी के तौर पर सराहा था। अप्रैल 2017 में शाम के सदर बशार अल असद पर कीमियाई हमलों के इल्जाम सामने आए। सदर ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी फौजियों को चाहिए कि वो बशार असद पर हमला करके कत्ल कर दें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन एक माह में दस्तयाब हो सकती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन एक माह में दस्तयाब हो सकती है। पेंसिल्वेनिया में अपने हामियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि कोरोना वबा खुद ही खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि 3 से 4 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन हासिल हो जाएगी। इससे पहले भी अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन 4 से 8 हफ्ते में दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब अमरीका में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 2,00,000 से भी ज्यादा हो गई है। कोरोना से बढ़ती हुई अमवात के सबब अमरीका में इंतखाबी अमल बुरी तरह मुतासर है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही के नेशनल कन्वेंशन ऑनलाइन मुनक्किद हुए और नवंबर में सदारती इलेक्शन में वोटिंग की शरह भी कोरोना वबा के सबब मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,01,197 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,01,157 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 67,88,147 हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,97,34,104 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,39,279 हो गई। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खून खुआर पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि संवाद में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,97,34,104 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,39,279 हो गई। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,01,197 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 67,88,147 हो चुकी है। 1,38,00,000 से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर
आ गया है, जहां कोरोना से 82,091 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 50,20,359 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,33,207 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 43,84,300 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 18,785 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,73,849 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 4,802 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया, जबकि यहां 3,41,056 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,338 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,26,930 तक जा पहुंची है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टेक टीवी। सब्सक्राइब टेक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।